सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। मैं संतोष, फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी साइंस, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। अब नया सेशन स्टार्ट है, सारी चीज़ें स्टार्ट है, तो एक एक करके इसी चैनल पे मैं आपको सारे साइंस के चैप्टर्स कराते जाऊँगा। क्या कह रहा है चैप्टर उसको समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वीडियो उस पर होगी, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और जो आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट चैप्टर में 1.1, 1.2 ऐसे एक्टिविटीज, उनको शॉर्ट्स के थ्रू करेंगे। बट उन सब चीज़ों से पहले हम समझेंगे कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर में है क्या, तो उसको समझते हैं। तो चैप्टर है बेटा हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, चेंजेस के बारे में, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में बेटा। अब बेसिकली जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सिंपल सी बात। मैंने गेट खोला, गेट दोबारा बंद हो सकता है भाई। मैंने पेन उठाया, पेन दोबारा रखा जा सकता है भाई। ये दोनों चीजें कैसी थी, रिवर्सिबल, यानी अगर मैंने कर दिया तो उस चीज को वापस भी करा जा सकता है। रिवर्सिबल इन नेचर जो भी चीजें होती है वो ज्यादातर कैसी होती है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। दूसरा, जब कोई फिजिकल चेंज हो रहा होता है तो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती बेटा, क्लियर रहेगी ये बात। तीसरा, जब मैंने दरवाजा खोला और बंद किया तो कोई नई खिड़की निकल आई। मतलब क्या कि जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर को फ्रीज कर दिया, मैंने वाटर को फ्रीज कर दिया, दोबारा पिघला के पानी बना सकता हूं, यानी रिवर्सिबल है। दूसरा, क्या कोई नया सब्सटेंस बना, पानी का फॉर्म ही तो चेंज हुआ, स्टेट ही तो चेंज हुआ, है तो पानी ही, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो ये किस टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस। वही अब केमिकल चेंजेस को समझो। केमिकल चेंजेस में क्या होता है बेटा, अगर एक बार हो गया तो वापस उल्टा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूध का दही बना दिया, तो क्या दही का दूध बन जाएगा, पॉसिबल ही, दूध का दही बन गया बट दही का दूध नहीं बन सकता, यानी इररिवर्सिबल इन नेचर है, इररिवर्सिबल इन नेचर है। अच्छा, और इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, यहां लैक्टोबैसिलस केमिकल रिएक्शन, लैक्टोबैसिलस करते रहता है क्या, रिप्रोडक्शन, जिससे दूध से दही बनता है, यानी इनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, इनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, सॉरी, ठीक है, और नया सब्सटेंस बनता है। दूध में खट्टा डाला या कुछ भी दही वही डाली तो दही बन गया ना भाई, नया सब्सटेंस बना। तो ये होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल। और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि दरवाजा खोला बंद किया, ये फिजिकल चेंज था, केमिकल चेंज और क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ अ पेपर, पेपर था मैंने उसे बर्न कर दिया, अब वो क्या बन गया, एश, राख, क्या उसे दोबारा पेपर बनाया जा सकता है, इरिवर्सिबल। अच्छा, पेपर को जलाया तो एक नया चीज मिला, क्या, एश, राख, तो न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ एक तरीके का केमिकल चेंज, क्या हुआ, एक तरीके का केमिकल चेंज। अच्छा, मैं सांस ले रहा हूं, रेस्पिरेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रेस्पिरेशन, ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, बताओ, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, ये आपको बताना है, सिंपल, ये क्वेश्चन भी आएगा, ये आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, किसमें, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में, तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रेस्पिरेशन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज।
आगे बढ़े इसी के साथ। इसके कई और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो फर्मेंट हो रहा है, दोबारा वापस ग्रेप्स में फर्मेंटेड वापस तो नहीं आ जाएगा, तो जो चीज इरिवर्सिबल है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से टॉपिक उठता है बेटा कि केमिकल रिएक्शन फिर है क्या। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कोई दो सब्सटेंस, जैसे यहां पे H2 और O2, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट आपस में इंटरैक्ट करके क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे बेटा, क्या बना दे बेटा, प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। दिक्कत रहेगी इस बात, कोई भी देखे, जैसे H2 और O2 मिलकर क्या बन गए, H2O। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूं बेटा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं, तो ये तो सिंपल मैंने कहा, बट जब मैं हाइड्रोजन का सिंबल यूज करूं, ऑक्सीजन का सिंबल यूज करूं, वाटर का सिंबल यूज करूं, यानी किसी भी रिएक्शन को सिंबल का यूज करके लिखूं, तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट यूज फॉर्मूला, तो वो हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाता है बेटा, केमिकल इक्वेशन। यहां तो कोई दिक्कत, सिंपल चीजें थी, आगे बढ़ते हैं। अब पीछे आपने देखा कि कोई भी जब केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है, तो क्या ऐसी कुछ साइंस होंगे जो हमें देखने पे पता चल जाए कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्या होंगे वो चेंजेस, उनको समझते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल बेटा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसे हीट किया जाता है, ये हीट का सिंबल है बेटा, जब इसे हीट किया जाता है तो क्या बनता है, CaO+CO2। तो ये गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये एक साइन है कि हमें गैस निकलते हुए दिखेगी। और क्या देखने को मिल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोयला जलाया, कोयला क्या बन जाएगा, ये आ जाए, ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज, तो ये होगा फिजिकल चेंज। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, C+O2CO2, C+O2 गिव्स अस CO2, ये गैस निकल रही है। प्लस जब कोयला जलाते तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, कई बार इनमें क्या बनते बेटा, प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये वर्ड आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा, पर आगे से और पढ़ेंगे, पर अभी समझो प्रेसिपिटेट क्या होता है। कई बार रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट एक टाइप का इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब जो मिक्स ना हो, इनसॉल्युबल हो, सॉल्युबल ना हो, जो चीज मिक्स ना हो रही, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है कई बार हमारा केमिकल रिएक्शन होने पर। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl+NaNO3, AgCl हमारा क्या आ गया, एक प्रेसिपिटेट, एक व्हाइट कलर का सॉल्ट आ गया जो कि मिक्स नहीं हो रहा, सिल्वर क्लोराइड, क्लियर है। दूसरा हमें चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है, कैसे, देखो इनको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, क्या होता है, ब्लू, उसके अंदर मैंने एक आयरन नेल डाल दी बेटा, आयरन नेल किस कलर के, सिल्वर, तो Fe जो कि आयरन नेल था, कॉपर सल्फेट जैसे ही डाला तो क्या हुआ, जो ये Fe है इस Cu को हटा देता है, क्यों हटाता है, कैसे हटाता है, इसे आगे समझेंगे। Cu को हटा देता है और SO4 की जगह खुद आ जाता है FeSO4+Cu, क्लियर रहेगी ये बात। इसमें होता क्या है, जो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था, अब कैसा हो जाएगा, ग्रीन, जो आयरन नेल पहले सिल्वर व्हाइट कलर की थी थोड़ी, अब कैसे हो जाएगी, ब्राउनिश। ये चीज याद रखनी, ये चेंज इन कलर आपको देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिल सकता है,
चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकता है, चेंज इन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे इसे वाटर से मिक्स किया तो हमें एक एक्वस सॉल्यूशन CaOH का होल ट्वाइस देखने को मिलता है, चेंज इन स्टेट आ सकता है चीजों में. क्लियर रहेगी यहां तक कोई चीज? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े भाई. अब यहीं से आती है एक चीज, अभी आपने पीछे एक चीज देखी होगी जो मैंने लिखा था, क्या कि H2 plus O2 gives us H2O. अब एक चीज बेटा है, ध्यान दो, हाइड्रोजन कितना? 2, इधर हाइड्रोजन कितना? 2, इधर ऑक्सीजन कितना? 2, बट उधर ऑक्सीजन कितना? 1. अब यहां तो भाई कुछ गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या कहता है? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. भाई जब ना ही बन सकता है ना ही बिगड़ सकता है तो गायब हुआ कहां? मतलब कुछ गलती है. तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बेटा. किसका? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या कहता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? कि रिएक्टेंट साइड पे ये रिएक्टेंट होता है जो पहले मिल रहा था, और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए. रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए. अब है तो नहीं इक्वल, तो करेंगे कैसे इक्वल उसको समझते हैं. देखो बेटा यहां पे है H2, यहां पे है O2, यहां पे है H2O. यहां हाइड्रोजन दो, यहां हाइड्रोजन दो, कुछ करने की जरूरत. यहां ऑक्सीजन दो है बट यहां एक है, तो क्या करेंगे? अब यहीं पे हम इसे कर देंगे 2 से मल्टीप्ल. मैं अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, O के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, आगे ही करूंगा जो करूंगा. अब ऑक्सीजन हो गया 2, बट इसी के साथ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 = 4, 4. तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे. अब ये बैलेंस हो गया, सिंपल था. इसे और समझेंगे, और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, अभी चिंता मत करो. क्लियर है? आगे और इसके एग्जांपल्स देखते हैं. देखो H2 plus O2, इसको तो देख लिया. अच्छा इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको, एक एक करके सबको अच्छे से समझाता हूं मैं आपको. क्या दिया था बेटा? H2 plus O2 gives us H2O. अब करेंगे बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा समझना. सबसे पहले क्या करो, इस साइड को बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को बोलेंगे राइट हैंड साइड. जबकि कन्वीनियंट के लिए बता रहा हूं, आगे चल के आप जल्दी जल्दी करने लगोगे, बट शुरुआत में गलती ना करो. अब बेटा इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? दोनों दो दो हैं. और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2, बट ऑक्सीजन कितना है? 1. अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, इनके बाहर बना लो बेटा बॉक्सेस. जो भी करोगे आप इस बॉक्स के बाहर करोगे, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कर सकते. अब करते हैं, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 इक्वल है, कुछ करने. ऑक्सीजन 2 है बट यहां ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, बट आप देख सकते हो जैसे ही ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही हाइड्रोजन से भी हो रहा है. अब हाइड्रोजन 4 हो गए बट इधर कितने हैं? 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन. अब ये इक्वल क्या आया बेटा? 2H2 plus O2 gives us 2H2O. ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया बेटा. कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं. क्या कह रहा है सेकंड? तो सेकंड कह रहा है MnO2 plus HCl gives us MnCl2 plus H2O plus Cl2. इजी क्वेश्चन. Mn1 है, Mn1 है, रहने देते हैं. अच्छा अब O कितना है? 2. इधर O कितना है? 1. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल हो गया अब. अच्छा दूसरा, इधर H कितना है? 1. इधर H कितना हो गया भाई? 2 × 2 = 4. तो इधर 4 से मल्टीप्लाई. अब Cl कितना है? 4. इधर Cl 2 और 2 = 4. दोनों साइड देखो, अब सारी चीजें इक्वल है. Mn1 O कितना? 2. O कितना? 2. H कितना? 4. H कितना? 4. Cl कितना? 4. Cl 2 × 2 = 4. क्लियर है पहले दोनों क्वेश्चन? अब ये दोनों के क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ताकि पद थोड़े मुश्किल है, टाइम लगेगा, बट दिमाग लगाओ, आपको इसका आंसर मिलेगा. नहीं समझ आएगा तो मैं बैठा ही हूं, मैं कराऊंगा आपको. आगे बढ़ते हैं.
आगे आप कुछ और कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंडीशंस जो है ऐसा सीधा आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हीट, सनलाइट, प्रेशर, ये कई जगह पे आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आपको कि CaCO3 को तोड़ने के लिए हीट की यूज होता है, तो हीट का सिंबल मैंने आपको ट्रायंगल बताया था। तो ये ट्रायंगल सिंबल याद रखना कि ये हीट का है। ऐसे गैस लिबरेशन, कई जगह पे आपको ऐसे गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद एक चीज आती है बेटा, कई बार आपको ये दिखेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम इट सेल्फ। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को डिफर कर दे, बढ़ा दे या घटा दे, बट खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जाम्पल दो बंदों की लड़ाई चल रही है, अभी वो लड़ाई कैसे चल रही है? मुंह मुंह से भाई, बातों से। बट मैं आया, मैंने एक के कान में बोला कि ये तेरे बारे में ये बोल रहा था। अब क्या हुआ? क्या मैंने खुद लड़ाई करी, खुद गाली दी, कुछ किया? बट मैंने उनकी लड़ाई जो पहले मुंह से चल रही थी, वो हाथों से चलेगी, लातों से चलेगी। यहां पे मैंने एज अ कैटलिस्ट काम किया। क्या काम किया? एज अ कैटलिस्ट, कि मैं खुद लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ बट लड़ाई की रेट को इंक्रीज कर दिया। सेम कैटलिस्ट, खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते बट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते, उन्हें बोलते हैं बेटा कैटलिस्ट। एंड द लास्ट वन इज फिजिकल स्टेट। कई जगह पे आपको ऐसे लिखा देखिए मिलेगा, एस सॉलिड, एल लिक्विड, जी गैस। एक चीज जो आपको लिखे मिलेगी वो मिलेगी AQ। AQ क्या होता है? इसे बोलते हैं बेटा एक्वस। अब ये एक्वस क्या होता है बेटा? अगर कोई चीज पानी में डिजोल्व हो रखी है, वाटर में डिजोल्वेबल है, तो उसे बोलता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस। तो ये कुछ चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट आपको पता होनी चाहिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, उनको समझेंगे एक एक करके। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो है बेटा, उसका नाम ही क्या है? कॉम्बिनेशन। नाम से क्लियर हो रहा है, जब दो चीजें जुड़े, कंबाइंड हो, तो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यही चीज होगी, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो ने मिलकर क्या दे दिया? एक। सेम H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही आपको पता है, टूटना, डीकम्पोज होना। तो जब एक चीज डीकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा में चले जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यही चीज बोला, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, तो इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अच्छा, अब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। अब एनर्जी तीन फॉर्म में दी जा सकती है, या तो हीट दे दो, या लाइट दे दो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे दो। तो इसी बेसिस पे हमने तीन पार्ट इसके डिवाइड किए हैं। एक होता है थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जब किसी चीज को हीट देकर तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया तो CaO प्लस CO2 बन गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, एक टूट कर दो में डिवाइड। ऐसे जब मैं उसे इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ू, तो जैसे एसिडिफाइड वाटर 2H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये टूट जाता है बेटा 2H2 प्लस O2 में। क्लियर रहेगी ये बात? ऐसे ही बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तो 2AgCl सिल्वर क्लोराइड जब इस पे सनलाइट पड़ती है बेटा, तो ये टूट जाता 2Ag प्लस Cl2 में। ये तीनों एग्जाम्पल लेके इनके याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। क्लियर रहेगी बात? तो नेक्स्ट देखते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या चीज बेटा? कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है, जो डिस्प्लेस कर दे। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक सीट है, उस पर कोई कमजोर बच्चा बैठा है, तो जो ताकतवर है वो तो उसे हटा के बैठ सकता है ना वहां पर। यही चीज डिस्प्लेसमेंट है, जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा के उसकी जगह पे आ जाएगा।
इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, में ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल मैंने अभी दिया था अगर आपको याद हो तो, जब मैं चेंज इन कलर बता रहा था कि Fe जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो बन जाता है FeSO4+Cu। मतलब क्या, Fe ने Cu को हटा दिया, यानी Fe ज्यादा ताकतवर है किससे, Cu से, और SO4 के साथ आ गया, तो इसे बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहां पे अभी क्वेश्चन आता है कि भैया पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कम, तो इसके लिए बेटा होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद हो क्या, तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई, ये मेरी है, आपको अगर कोई आसान ट्रिक मिल जाए तो आप कर सकते हो, आपको छूट है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद कराता हूं, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि हमें याद करनी है रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होती है, तो समझना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और, क्या बोला भाई मैंने, मैंने बोला कि केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और, ये याद करने का तरीका है, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव। क्या है सबसे ऊपर, के पोटेशियम, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और, के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मर्क्यूरी, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड ऑरम, तो ये याद रखना है, ये याद करने का तरीका है, क्लियर रहेगी बात। आगे अब हम कहां थे, डिस्प्लेसमेंट समझ ली भाई, अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेस का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल समझना, यहां पर कमजोर बच्चा बैठा था तो ताकतवर ने जाकर उसे हटा दिया, बट अगर दोनों ताकतवर होते तो क्या कि भाई मैं नहीं हट रहा, तो यहां पे होती है क्या कॉम्प्रो, तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि ले भाई मैं तेरी सीट पे तू मेरी सीट पे, तो यही चीज है कि म्यूचुअल एक्सचेंज जब हो जाए कि तेरी चीज मेरे पास मेरी चीज तेरे पास, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl प्लस AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को करूं तो क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा NaO3 के साथ और Ag किसके साथ चले जाएगा, Cl के साथ, क्लियर है, तो एक्सचेंज हो गया। अब इसे याद रखने का तरीका क्या, डिस्प्लेसमेंट में एक आपका क्या होता है मेटल, दूसरा होता है कंपाउंड, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही आपके क्या होते हैं कंपाउंड, ये याद रखने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को, क्लियर रहेगी बात। आगे आता है बेटा फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल, बहुत सिंपल, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हमें क्या देना पड़े कि हीट इज सप्लाइड, हीट क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, ठीक है, हीट क्या करनी है, देनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया NH4NO3 और H2O, या इसका सबसे सिंपल तरीका समझो कि CO जब इसे हीट करूंगा, कोल को हीट करता हूं मैं, सप्लाई देनी पड़ती है, तो ये मेरा CO2 बन जाता है, तो किस टाइप की रिएक्शन, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट देनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा और देख लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट देनी पड़ रही है तब टूट रहा है,
तो जिसमें हीट सप्लाई करी जाए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक इसका उल्टा, जिसमें से हीट निकल रही हो। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें से इवॉल्व होती है। ऐसे ही जब हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करने के, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको वीक बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, पानी में ड्रॉप 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 एसिड डालते और मिक्स करते रहते धीरे धीरे, तो इसमें हीट रिलीज होती है। तो जिसमें हीट रिलीज हो, इवॉल्व हो, एक्सोथर्मिक, जिसमें कंज्यूम हो, सप्लाई देनी पड़े, वो एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल दोनों के मैंने आपको बता दिए, क्लियर रहेगी बात। आगे आता है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, समझना इसे। ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, कोई भी एक चीज दिख रही है तो मतलब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस 3O2, अभी इधर Fe के साथ ऑक्सीजन नहीं था बट इधर Fe के साथ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर रहेगी। वहीं रिडक्शन, रिडक्शन में इसका उल्टा, यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव, यहां उल्टा कर दो, यहां हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, अगर कुछ भी एक मिल जाए तो रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल Cl2 प्लस H2, तो यहां Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है बट यहां आते ही एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो मतलब क्या, ये रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलो Cu+H2 गिव्स अस Cu+H2O। अब ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा, इसमें देखो सबसे पहले यहां CuO था, ऑक्सीजन था, बट यहां पे Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव किस में होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में, यानी यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन। ऊपर देखो हाइड्रोजन यहां अकेला है बट यहां आने पर हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। इसके बाद आपके दो टॉपिक और हैं, एक है क्या आपका कोरोजन और रेंसिडिटी, बट वो दोनों आपके कटे हुए हैं, कोरोजन आप पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल में बट यहां पे कटा हुआ है, क्लियर है। तो यहां तक चैप्टर था, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, कुछ भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो आएगी एनसीईआरटी क्वेश्चन की, उसके बाद पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते रहेंगे, क्लियर रहेगी ये बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।